इनसाइडर, मैं हूं आपके साथ आयशी निगम। आज नवरात्रि का पहला दिन है जो कि माँ शैलपुत्री को समर्पित है। आज ही के दिन माता के जो नवरात्र हैं वो शुरू हो जाते हैं। 9 दिन तक भक्त बड़े ही श्रद्धा और भावना से माता की पूजा करते हैं, घर पे बुलाते हैं, कलश स्थापना करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसी के चलते हम हैं लखनऊ में मरी माता मंदिर, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक घंटियाँ से बंधी हुई हैं, भक्तों की भीड़ है। आइए अब जानते हैं इस मंदिर का जो रहस्य है। ये मंदिर जो बताया जाता है काफ़ी पुराना है, 300 साल पुराना बताया जाता है। और अगर बात करें इस मंदिर की, तो इस मंदिर की स्थापना एक युवक ने की थी जिसके पिता को सपने में बार बार देवी माँ के दर्शन होते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक ताखा है जो बनाने के लिए कहा गया था। ये जो मंदिर है, जो मरी माता मंदिर है, ये सुल्तानपुर लखनऊ हाईवे पर स्थापित है और इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ से गुजरने वाला हर भक्त यहाँ पूजा अर्चना करने ज़रूर आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ बंधी हुई हैं, क्योंकि इस घंटियाँ जो बंधी हैं इसकी भी काफ़ी मान्यता है। अपनी भक्त आते हैं, अपनी मुराद मानते हैं और उसके बाद घंटी बांधते हैं, चुन्नी बांधते हैं, उस चुन्नी में भक्तों की मुराद छुपी हुई होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नवरात्रि का पहला दिन है, इसी के चलते यहाँ भक्तों की जो भीड़ लगी हुई है वो भी देखने वाली है, क्योंकि माता के दर्शन पाने के लिए सभी भक्त यहाँ आए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्त श्रद्धा भावना अपनी लेकर माता के दर्शन करने आए हैं। देख सकते हैं काफ़ी अंदर ये मंदिर है और खूब लंबी लाइन लगी होती है सिर्फ माता की झलक पाने के लिए। यहाँ पे दर्शन करने के लिए लोग आए हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, पुजारी बैठे हुए हैं और माता का प्रसाद चढ़ा रहे हैं। जो भक्त आ रहे हैं प्रसाद चढ़ा रहे हैं, चुनरी भेंट कर रहे हैं। पुजारी जी से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मान्यता है। पुजारी जी, जो मंदिर है ये क्या मान्यता है, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है ये और ऐसा कहा जाता है कि हर भक्त की मुराद यहाँ पूरी होती है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी पूरी होती है, इतनी घंटियाँ देख रही, सब मन्नत की घंटियाँ बंधी हुई हैं। मन्नत की घंटियाँ, तो ऐसा भी कहा जाता है जब मन्नत पूरी हो जाती है तो भक्त घंटियाँ उतारते हैं या ऐसी बंधी रहती है? मन्नत के लिए 3 गांठ लगानी पड़ती है, उसके बाद अगर मन्नत पूरी हो जाए तो 3 गांठ खोलनी पड़ती है, उसके बाद आपको घंटी बांधनी पड़ती है। जी जी, तो यहाँ जो भीड़ देखी जा सकती है, ये नवरात्र का पहला दिन है और शैलपुत्री की पूजा होती है, थोड़ा शैलपुत्री माता के लिए बताइए। अभी नहीं बताइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शैलपुत्री माता की, जो आज पहला दिन है, शैलपुत्री माता को समर्पित है और ये पूजा अर्चना करने के लिए बहुत ही सिद्ध मंदिर है माना जाता है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है और यहाँ भक्त बड़े ही श्रद्धा से आते हैं अपनी मनोकामना लेकर और घंटी बांधते हैं, घंटी के साथ ही चुनरी भी बांधते हैं। 3 गांठ बांधी जाती है जैसा पुजारी जी ने बताया और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भक्त यहाँ आते हैं। बात करेंगे भक्तों से और उनसे भी जानेंगे कि क्या कहना है उनका। अपना नाम बताइए। सुमित नाम है मैम। मंदिर आए हैं आप मरी माता, आप पहले से आ रहे हैं या पहली बार आ रहे हैं? पहले से आ रहे हैं। क्या मान्यता आपको लगती है, जो क्या मांगा आपने जो आज तक पूरा हुआ? मैम सब मान्यता यहाँ पूरी होती है। नवरात्र का पहला दिन है जी मैम, और क्या मांगा भगवान से आपकी? मैम मांगती नहीं, माता रानी खुशी ये सब देती रहती हैं अपने मन से। हाँ। मांगते मांगते नहीं है माँ से, बस थोड़ा सा बच्चों के लिए, सब फैमिली के लिए जो मांगते हैं बस वही माता रानी। जय माता दी। जय माता दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ भक्तों की भीड़ है, भक्त यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं और भक्त प्रेम लगन के साथ दिया जला रहे हैं और सबको यही आशा है कि माता रानी उनकी जो पूजा है उसको स्वीकार करेगी। अपना नाम बताइए। सीमा गुप्ता। नवरात्रि का आज पहला दिन है, आप यहाँ पूजा अर्चना करने आई हैं, क्या कहना चाहेंगी माता के लिए? माता रानी लोगों की मुरादें पूरी करती हैं और लोग भाव से आते हैं रोज़। आप यहाँ पहली बार आई हैं? जी नहीं, 15 साल से आ रहे हैं, सुख का सुमा। आप 15 साल से यहाँ आ रही हैं और मान्यता इस मंदिर की काफ़ी है। जी हाँ जी। तो आप देख सकते हैं भक्त जो है यहाँ पे वो कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहे हैं, काफ़ी साल से भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है, काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। चुन्नी, घंटी और दिया, दीपक, ये सब माता को बड़ा ही प्रिय होता है, इसी के चलते भक्त यहाँ आते हैं, उनको समर्पित करते हैं, अपनी मुराद मांगते हैं, उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। काफ़ी मान्यता वाला मंदिर है, आप देख सकते हैं चुनरी बांधी जा रही है और नारियल भी फोड़ा जाता है माता को, ऐसा कहा जाता है। नारियल भी बड़ा प्रिय है और नारियल भी फोड़ कर उसका जो जल होता है वो ग्रहण करते हैं, माता को समर्पित किया जाता है। बड़ा ही आज का दिन पावन है क्योंकि नवरात्र का पहला दिन है और
भक्तों का जो ताता है वो मरी माता मंदिर में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इतनी भीड़ है और अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। हिमांशु त्रिवेदी। आप यहाँ मंदिर में पहली बार आए हैं या आते रहते हैं? नहीं, हम आते रहते हैं। क्या मान्यता है मंदिर की, कैसा लगता है यहाँ आकर? यहाँ आगे एक सुकून मिलता है अपने आप को, एक मतलब श्रद्धा है लोगों की, इसीलिए यहाँ। अच्छा, मुराद की बात करें, कहा जाता है चुनरी और घंटी बांधी जाती तो मुराद पूरी होती है, क्या कहना चाहेंगे? जी होती है, जरूर होती है। आपने कभी कुछ मांगा? बहुत चीज़ें मांगी, पूरी भी हुई हैं, आगे श्रद्धा रहेगी तो और पूरी होंगी। तो आपने देखा कि भक्त इसके गवाह हैं कि जो घंटी और चुनरी बांधी जाती है पूरी होती है उनकी सभी मनोकामना। अपना नाम बताइए। मानवेंद्र सिंह। आप यहाँ पहले से आ रहे हैं मंदिर या पहले आए? पहले आ चुके हैं मैम। तो क्या लगता है यहाँ की मान्यता जो है, जो कहा जाता है चुनरी घंटी बांधने से मुराद पूरी होती है कभी? जी जी, जरूर पूरी होती है मैम, जरूर पूरी होती है। नवरात्रि का पहला दिन है, क्या कहना चाहेंगे? नवरात्रि के मैम पहले दिन है, जरूर आते हैं, श्रद्धा पूरी होती है मैम, श्रद्धा है, आना जरूर, अच्छा लगता है, यहाँ पे आके सुकून मिलता है। जी, आप देख रहे हैं कि सबकी एक ही बात है कि यहाँ आके बहुत ही सुकून मिलता है क्योंकि माता का मंदिर। जी मैम, यहाँ पे मान्यता बहुत ज़्यादा है और जो काम नहीं बनता वो यहाँ पे बनता है। अच्छा। अगर किसी डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप कभी माँ नहीं बन सकती तो यहाँ के जरूर बनेगी। अच्छा। आपने ये महसूस किया है? हुआ है, मेरे वहाँ हुआ है, दो बेटी हैं यहाँ से दी हुई, माता जी का आशीर्वाद है। जो भग मतलब डॉक्टर बोल देंगे ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ दर्शन करने पे जरूर होता है। तो नवरात्र का पहला दिन है और ऐसा कहा जा रहा है कि आज बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की, जी क्या कहना चाहेंगे? मान्यता तो बहुत ज़्यादा है और मतलब स्वस्थ रहेंगे सभी लोग जो है, जो आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, इतना विश्वास है हमें, तो इतना विश्वास है कि अगर जो माता रानी कहें यहाँ से कून जाओ तो हम कून जाएंगे, इतना ज़्यादा हमको यहाँ पे विश्वास हो चुका है। तो आप देख सकते हैं भक्तों की यही विश्वास है कि यहाँ आते हैं भक्त अपनी मुराद पूरी करने भगवान से, अपनी हर एक इच्छा। लेकिन ऐसा कहा जाता है भगवान सबकी सुनता है और उनको सब कुछ पता होता है, और यही यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। भीड़ इतनी है और पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग बैठ के, क्योंकि नवरात्र का पहला दिन है और नवरात्र का पहला दिन बहुत ही पावन होता है और बहुत ही अच्छा लगता है मंदिर में माता के दर्शन पाकर। आप देख सकते हैं भीड़ इतनी है और उसके बाद भी लोग आ रहे हैं, ये नहीं है कि भीड़ है हम नहीं जाएंगे, लेकिन भीड़ है, लगातार भक्त आ रहे हैं और अपनी मुराद मांग रहे हैं, क्योंकि घंटी और जो चुनरी है इसको बांध के अपनी मुराद मांगी जाती है। ये अपने में ही एक अनोखा है, क्योंकि कहा जाता है माता रानी को चुनरी बहुत पसंद है, लाल चुनरी पसंद है, नारियल पसंद है, जो माता जी को पसंद है भक्त आते हैं उनको समर्पित करते हैं अपनी मुराद पूरी करने के लिए, वह भगवान से मुरादें मांगते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ में आयुष रिली, इंसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।